हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शुभम रोहेला। आपके सामने जो आज इंसान बैठे हैं, उन्होंने अपना 25 सीसी कंप्लीट किया, दैट मींस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया इन जस्ट 30 डेज, और इनको भी ज्वाइन करे हुए 2 से 3 महीने हुए। ठीक है, अलोंग विद दैट इन्होंने आपके सभी के सामने ना इनसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछने वाला हूँ। पहली चीज तो क्वेश्चन ये रहने वाला है कि भाई लीड्स कहाँ से मिल गई, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को भी यही है, लीड्स कहाँ से मिलेंगे या 25 सीसी के लिए हमें, क्योंकि अकेले तो आप कर नहीं सकते, आपको लीड्स चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनर्स चाहिए। तो कहाँ से आपने फाइंड आउट किए बिजनेस पार्टनर्स, और अभी 2 से 3 महीने हुए आपको टेलर फिटर्स को ज्वाइन किए हुए, तो आपको क्या आपको महसूस हो रहा है, आपको आपको खुद कुछ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड क्या क्या पॉजिटिविटी आप देख पा रहे हो, क्या क्या चेंजेस आप अपने बिहेवियर में अपनी पर्सनालिटी में देख पा रहे हो हमारे साथ काम करने के बाद। वन मोर थिंग, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसे अमेजिंग टेस्टिमनीज वाली वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे, सो दैट आपका माइंडसेट थोड़ा सा ओपन हो कि यार इस तरह से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अलोंग विद दैट, सुषमा गुप्ता जो है, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं, वो उनका यूट्यूब चैनल भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नया नया यूट्यूब चैनल, एक बार जाके देखिए किस टाइप से वीडियोज बना रहे हैं, और आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इनकी सारी बातें सुनकर। तो चलिए ओवर टू यू सुषमा जी, बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे सुपरवाइजर का सोचा, बन भी गए, ये सब चीजें कैसे हो पाई? नमस्कार सर, थैंक यू सर, आप मेरे को अपने चैनल पे लेके आए, थैंक यू वेरी मच। और इतने शॉर्ट पीरियड्स में कैसे हमने एकदम राइज कर दिया और सुपरवाइजर बन गए। सबसे अमेजिंग तो ये रहा कि मेरे तीन चार वीडियोस गए थे और उसमें मेरे पास 2 लीड्स आई, है ना। तो मैं अमेज थी कि मैंने एकदम यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाली और मेरे को लीड्स आनी शुरू हो गई। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऑटोमेशन पे भी काम किया। मैं TLF क्रिएटर्स के साथ हूँ और मेरे पर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं सबके साथ। मैंने कई अपने नॉन को भी ज्वाइन कराया है। और सबसे अच्छा तो ये रहा कि मैंने टेक्निकल बहुत चीजें सीखी TLF क्रिएटर्स में आके, और उसके बाद लीड्स आई, कुछ नॉन मैंने ज्वाइन कराई अपने साथ। और सबसे पहले था कि मेरे को माइंड में यही था कि मुझे अपने नीचे 5 AS बनाने हैं, और उसके बाद फिर मैंने 5 AS पे पहले तो ट्राई किया, और उसके बाद रिटेलिंग पे हमने काफी नॉन में भी दिया और ऑर्डर्स भी आए, यूट्यूब के थ्रू भी आए, क्योंकि मेरी जो टीम है वो बहुत अच्छी है। मेरे साथ जो नॉन है मेरे, वो काफी उनका है, मेरी एक फ्रेंड है मेरे साथ जिनका ब्यूटी पार्लर है, और ब्यूटी पार्लर से काफी हमें लोग नॉन हुए, ज्यादातर हमने वहां से ज्वाइनिंग्स कराई। और नॉन में ही क्योंकि उसने ब्यूटी पार्लर पे हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को लगा दिया था, वहां से हमारी बहुत अच्छी रिटेलिंग हुई। तो हमने वहां से काफी अच्छे काम करके अपने पॉइंट्स को भी बढ़ाया और सीसी भी बढ़ाए, और मैंने अपना सुपरवाइजर क्लियर किया। बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे हैं कि आपने अभी तो आपने रिसेंटली ज्वाइन किया ही है, और यूट्यूब पे आपने कुछ वीडियोस डाली, वहाँ से तो लीड्स आनी आपको स्टार्ट ही हुई, बट आपने नॉन पे भी, नॉन सर्कल पे भी ज़्यादा काम किया, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उन पे ज़्यादा काम किया, और जो कि यूजुअली हम करते नहीं है TLF फेडर्स वाले, हम ज़्यादा नॉन में काम करते नहीं है, बट आपने नॉन में काम करने के बाद ये सारी चीज़ें करके दिखाई। और आप बोल रहे हैं कि आप ब्यूटी पार्लर में कुछ शोकेस आपने कुछ प्रोडक्ट्स किए हैं, और देखिए नो डाउट प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं इसके, है ना, जिसने एक बार यूज़ कर लिया वो तो यूज़ करेगा ही करेगा, कि उसको पता है गुड क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहा है। सर वो भी है, और जैसे हमारा है ये अपना एलो ट्रम है, आप अमेज करोगे कि एक बार मैंने सोसाइटी में इसको इंट्रोड्यूस कराया था, रात के 12 बजे मुझे नॉन है, मेरी मौसी यहाँ रहती हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि मेरे को प्लीज एलो ट्रम का एक बॉक्स और देके जा, क्योंकि मुझे उससे बहुत आराम हुआ है। क्योंकि सर आप जानते हैं दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, तो एलोट्रम अब वो 1-2 बार लेती हैं, और उनको मतलब 2-3 महीने की प्रॉब्लम थी, नोज रनिंग था और था, तो मतलब देयर इज नो डाउट कि प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, अमेज्ड है। तो अभी जैसे TLF क्रिएटर्स में आप डेली 10 PM का सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, और तो किस टाइप का माहौल यहाँ पे रहता है, मतलब थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए कि क्या हाउसवाइफ्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्या नहीं, और आपके दिमाग में क्यों लगा, जैसे AS आप बने, है ना, AS बनने के बाद आपके दिमाग में एकदम मुझे अपना लेवल अप करना है, आपने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया जिसमें अप्रोक्स 3.5-4 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स हमें रिटेल करने होते हैं, वो आपने किया, तो वो माइंडसेट कहां से आया आपके दिमाग में कि यार चलिए बिजनेस में आगे बढ़ते हैं? सर सबसे पहले तो थैंक्स टू TLF क्रिएटर्स, और जिसको मैंने ज्वाइन करके अपनी लीडरशिप जो मेरे अंदर था वो मैंने वहां पे सीखा,
है ना, और ऑटोमेशन जो मैं टेक्निकली बहुत अच्छी नहीं थी शुरू से, हम ठीक है मोबाइल पे हमने इंस्टाग्राम देख लिया, फेसबुक देख लिया, इसके आगे हमें नहीं पता था कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे ऑटोमेशन के थ्रू काम होते हैं, तो वो हमें नहीं पता था, वो मुझे TLF क्रिएटर्स में जाके मैंने सीखी टेक्निकल चीजें। और उसके बाद एक महीने में मैंने रात की मीटिंग्स, और सर मैं हमेशा मीटिंग्स में बहुत एक्टिव रही हूँ, क्योंकि वहां से मुझे ये पता चल गया था कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे हिट करेगा, और मैंने आपकी मीटिंग, सबकी जो भी मेरे सीनियर्स हैं मिस्टर तरुण सर हैं उनकी मीटिंग्स, मैंने कोई मीटिंग नहीं अपनी मिस की, और मुझे पता था कि मुझे TLF क्रिएटर्स ही आगे लेके जाएगा, मैं वहीं से ही सीख सकती हूँ। और सबसे अच्छी बात है ये जो हमारा काम है अपना फोर एवर का, उसमें आपको घर बैठे काम करना होता है, जो मुझे चाहिए था, एक हाउसवाइफ को जो चाहिए होता है कि वो अपने हस्बैंड को देख सके, बच्चों को देख सके, फैमिलीज को देख सके, जैसे मैं अपने घर में हूँ कि बड़ी बहू हूँ तो मुझे काफी चीजें देखनी होती है, परिवार को देखना होता है, तो इन लोज मेरे साथ रहते हैं, मदन लो मेरे साथ रहती है, उसके बावजूद भी मैंने एक अपना टास्क रखा था कि मुझे इतनी रिटेलिंग करनी है और मेरे को इतना काम करके मुझे AS क्लियर करना ही करना है। और ये जो चीज थी ये मुझे TLF क्रिएटर से ही समझने को मिली, सीखने को मिली, और मेरे साथ मेरी अपलाइन भी है जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम ये चीज बताते रहे कि आपको कैसे कैसे करना है। और सबसे अच्छी बात क्या, लेडीज के लिए वहां पे बहुत सेफ साइड है, जैसे हमारे बड़े हैं कि कई बार होता है कि हमें अलाउ नहीं करते, जी नहीं आप किसी मीटिंग में जाके नहीं बैठेंगे रात के 10 बजे, क्योंकि सर ये इंडियंस की मेंटलिटी है कि बहू को अलाउड नहीं होता कि कोई 10 बजे जाके बहू वहां बात करे, लेकिन वहां का माहौल जो है इतना अच्छा है कि आप बता, मैं खुद उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, जितने भी हमारे मेंटर हैं दे आर वेल बिहेव्ड और बहुत अच्छी तरह से हमें बिहेव करते हैं, किसी लेडीज को वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब हम कैमरा ऑन करके बैठे होते हैं और मतलब वो बहुत गुड मैनर्स के साथ हमसे बात करते हैं, हमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती वहां पे। सबसे अच्छी बात वहां पे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें किसी को भी बात करनी है तो हम उसी टाइम उनसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व ले लेते हैं कि हाँ मैम मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे को यहाँ आ रही है। और ट्रेनिंग तो है ही सर हमारी अपनी बढ़िया चलती है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है किसी को भी, और मेरा देख लो आप सुपरवाइजर मैंने एक महीने में किया है, और आप ही की वो है मेरे ऊपर कि सबने मुझे बताया कैसे कैसे करना है। देखिए मेंटर्स तो होते ही हैं, बट एक सबसे बड़ा जो इफेक्ट डालता है ना वो मतलब डाउनलाइन ही डालता है, मतलब जैसे आपको आपको बनना था, हम तो सबको बता रहे हैं कि भाई आप सुपरवाइजर क्रैक कर सकते हो, मैनेजर क्रैक कर सकते हो, आपको ये कमीशन मार्जिन्स मिलेंगे, अब तो सबको बता रहे हैं, बट एक्शन आपने लिया, तो बेसिकली जो एक्शन टेकर्स होते हैं ना वही लाइफ के चैंपियंस होते हैं मुझे ऐसा लगता है। एंड मुझे आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी दिखती है कि पहले दिन ही पता चल गया था कि इंसान को देख के पता चल जाता है ना कि बहुत कुछ भरा हुआ है, इसको निकालना है ना, जो भरा हुआ है उसको बस बाहर निकालना है, क्योंकि देखिए टैलेंटेड हम हर कोई है, हर कोई टैलेंटेड है, यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान नहीं जो टैलेंटेड, हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट है, बस उस टैलेंट को अगर आपको शोकेस करने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल गया यू विल विन, यही तो है आदमी एक सक्सेसफुल है नॉन सक्सेसफुल कौन है, टैलेंट सबके पास है, जिसको प्लेटफॉर्म मिल गया अपना शोकेस करने के लिए वो सक्सेसफुल है, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला वो अभी भी आज भी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये थी सारी कहानी जिसकी वजह से मुझे लगता है आपने बहुत जल्दी अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है, और नो डाउट है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे वोमेन्स को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, मैंने इतनी सारी मीटिंग्स और भी हमने बहुत सारी बातें की, लेडीज है जैसे हमारे पास लीड्स आती हैं लेडीज की, लेडीज मुझसे बात करती है कि मैम वो सेफ साइड है, फ्रॉड तो नहीं है, हम फ्रॉड काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई पैसा तो नहीं ले रहा, सर इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ कोई पैसा नहीं लेता है ना, तो मैं सुपरवाइजर अगर बनूंगी तो सर मैं 5-10 लाख थोड़े आपको दे दूंगी, इतने में मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं 10 लाख किसी को नहीं दे सकती, ये मेरी वो है कि मैंने वहां पे सीखा और मैंने आगे काम किया ना? तो यहाँ पे ऐसी लेडीज हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जो कि फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ पे काम सीख के वो आगे बढ़ रही हैं ना, तो हम लोग वही करते हैं। तो बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि शायद कोई पैसा ले रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन के फीस ले रहा है, कोई ट्रेनिंग की, जहाँ तक कि हमारे TLF क्रिएटर्स में हम 1 रुपया नहीं देते, सिर्फ हम वहाँ से चीजें सीखते हैं और कुछ नहीं करते। और पता नहीं क्यों लोगों के एक तो वही है कि मार्केटिंग को लेके भी रहता है कि फ्रॉड होती है, ये कोई फ्रॉड नहीं है सर, मैं सबसे बड़ी एग्जांपल है, और हमारे इसमें काफी लेडीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, आप TLF क्रिएटर्स को बहुत लोग जानने लगे हैं, और अलका जी हैं हमारी साथ में, और अभी अभी हमारे मैनेजर्स बने हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और बहुत अच्छा
अच्छा रिस्पॉन्स है वहां से, मतलब बढ़िया है, बड़ी। मजा आ रहा है। अभी मैंने एक चीज और देखी है कि आप रिसेंटली कुछ, मैंने आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी, आप कुछ पैम्पलेट्स वगैरह भी कहीं कहीं दे रहे थे, तो हाँ उसका भी थोड़ा सा जिक्र करिए। ये क्योंकि ये पैम्पलेट्स वगैरह तो मैंने भी नहीं किए हैं कभी, बट आपके अंदर से कहाँ से आ रहा है कि मुझे पैम्पलेट्स बांट के भी मतलब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है? सर दिल्ली में क्या होता है, एक तो ट्रैफिक बहुत होता है ना, तो हम क्या करते थे सर, रात को स्कूटी पे निकल जाते थे, और ये हमें तरुण सर की ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, और उनके हमारे कजाबी एक सॉफ्टवेयर जिसमें हमें लेसन वाइज दिया गया है कि आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो मैंने वही पॉइंट लिया कि हम पैम्पलेट्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं, अगर हम किसी का, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉलिंग सिस्टम बना है, आप ऑटोमेशन की तरह काम करिए, आपको कॉल नहीं करना, आपको प्रोडक्ट्स कहीं सेल नहीं करने है, कुछ नहीं करना है। तो फिर मैंने वही माइंड लगाया कि क्यों नहीं हम पैम्पलेट्स लगा के लोगों को बुलाया जाए, वो कॉल करेंगे। हमने सर वही है, स्कूटी मेरे पास थी तो मैंने स्कूटी पे, मेरी और मेरी डाउनलाइन है उषा जी हैं, और हमने पैम्पलेट लगाए वहां पे जगह जगह, और अभी भी हम उस काम को कर रहे हैं, और सर वहां से आ रही है लीड। कल ही मेरे पास कम से कम, जो हमने अगर दिल्ली वाले मेरे को सुन रहे हैं तो पालम एक जगह है वहां पे मैंने पैम्पलेट्स लगाए हैं, वहां से मेरे को 5 लीड्स आई हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देखते सर, देखते हैं और काम करना चाहते हैं। तो हमने पैम्पलेट्स वाला जो फार्मूला था वो हमने यूज किया और उससे बढ़िया रहा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थी सुषमा गुप्ता जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं, रिसेंटली अभी शायद 2 महीने हुए हैं या फिर 3 महीने हुए हैं अप्रॉक्स TLF फेडरेशन को ज्वाइन किए हुए, और 1 महीने के अंदर भी अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया 25cc से, सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। और जिस तरह का आपका माइंड सेट है, मुझे नहीं लगता कि आप खाली सुपरवाइजर पर रुकने के लिए तैयार हैं, और जल्दी बहुत जल्दी करके जिस तरह के आप रिजल्ट्स बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसी हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप और अच्छे लेवल्स पर यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, और इस बिजनेस को जैसे नाम है फॉरएवर, इस बिजनेस को फॉरएवर करेंगे। सो इनका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इनका कहीं ना कहीं व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको इनके साथ काम करना है, एंड आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी जॉब छूट गई है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ के अब ये सारे काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको घर बैठे कोई काम, आपके पास टाइम रहता है और आप कुछ काम करना चाहते हो, डेफिनेटली आप इनसे बात करके अपना बिजनेस पार्टनर बना के इनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।